कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को यादे मदीना। और जब आंसू बहते हैं तो कर्म हो जाता है। आज मैं एक ऐसे इस्लामी भाई के बारे में आपको बताऊंगा, वैसे से बार बार कहते भी हैं आपको कि आप हमारी मजलिस के लिए दुआ करें, उन इस्लामी भाई के लिए दुआ करें जो कोशिश करते हैं, जो एडिटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो कैमरामैन हैं। बेटा मेरे पास आएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सरवर। सरवर को मैं देखता हूँ माशाल्लाह, ये तकरीबन सिलसिले में जब नातखानी होती है, कोई ज़ौक की बात होती है, तो इनकी आंखों से आंसू बहते हैं। इनको अभी रोते हुए किसी ने सिलसिले के दौरान देखा और कहा इस कैमरामैन को हमारी तरफ से मदीने भेज दें। कसम खुदा की ये है हकीकत, जीने बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जीने बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अब मुझे बताओ किधर है दौलत, किधर है पासपोर्ट, किधर है वीजा, किधर है ताल्लुकात? अरे जब कर्म की नजर पड़ती है ना, ऐसे बुलावे आते हैं, ऐसे नजारे हो जाते हैं। बस अल्लाह करे कि हबीबे पाक हम पर भी निगाह रहमत फरमाए। अब देखिए कितने सवालात की तैयारी करके कुछ टीमें सेमीफाइनल में वापस चली गई, कुछ क्वार्टर फाइनल में चली गई, लेकिन जिन्हें बुलावा आता है किसी एक की नजर पड़ती है। और ये नजर पड़ती नहीं है, ये गोया इशारे होते हैं, ये गुंबदे खजरा से इशारे होते हैं। अब इस्लाम में मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो कैमरामैन रो रहा है, मेरी वालदा कहती है उसको मदीने भिजवा दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि मकबूल हाजिरियां हमें नसीब हो जाए और नबी पाक की हमें रिजा वाली हाजिरी भी नसीब हो जाए। माशाल्लाह मैंने बच्चे को सरवर को कहा भी है कि अब जब नबी पाक ने बुलाया है तो सुन्नत का तोहफा सजाकर आका की बारगाह में जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन।